उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल विथ ऑफ क्रेस्ट फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हमने 0.8 का अज्यूम करके रखा था, रेक्टेंगुलर है तो 1 से कम अज्यूम कर रहे थे, तो 0.8 मीटर हमने अज्यूम किया था, तो वो अज्यूम्ड था, अज्यूम्ड विथ ऑफ क्रेस्ट था। हम यहाँ पे एक्चुअल विथ ऑफ क्रेस्ट फिर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्रेस्ट लेवल फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक्चुअल विथ ऑफ क्रेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना होता है रेक्टेंगुलर के लिए, 0.55 अंडर रूट डी का होता है। और जो हमारा डी होगा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा डी होता है वो क्या होता है कि जो क्रेस्ट का जो डिस्टेंस होता है डाउन स्ट्रीम बेड लेवल से, ये हमारा क्या होता है, डी होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्रेस्ट लेवल फाइंड आउट कर लिया है 103.77, डाउन स्ट्रीम बेड लेवल हमको क्वेश्चन में गिवन है, बेड लेवल डाउन स्ट्रीम में 101.5 का दिया हुआ है, तो वही हमने यहाँ पे किया है, 103.77 माइनस 101.5। तो जो हमारा डी का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, 2.27 का आएगा। तो इसका यूज करके हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल विथ ऑफ क्रेस्ट निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कितना, 0.825 मीटर का हमारा आ जाएगा, जो हमारा एक्चुअल विथ ऑफ क्रेस्ट है। और जबकि हमने कितना अज्यूम किया था, 0.8 मीटर का अज्यूम किया था, लेकिन हमारा कितना आ रहा है, 0.85 का, 825 का आ रहा है। इसको हमने थोड़ा बढ़ा के लिया है, 0.85 मीटर विथ ऑफ क्रेस्ट हम लेंगे। इसके बाद जो हमारा थिकनेस ऑफ बेस होगा वो हम निकालेंगे रेक्टेंगुलर के लिए। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये जो था हमने यहाँ पे ये निकाल लिया 0.825 का, ठीक है, एक्चुअल। और अब हम ये फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या फॉर्मूला गिवन है, बेस विथ का h प्लस डी बाई टू। तो इसके लिए सबसे पहले हमको स्मॉल h फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, एच है, ठीक है। और स्मॉल एच क्या है कि जब हम जो टोटल एच है उसमें से हम वेलोसिटी हेड को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्मॉल एच आ जाएगा। ये जो देख रहे हैं ये हमारा क्या है, वेलोसिटी हेड है, ठीक है। हमको कैपिटल एच की भी वैल्यू पता है, हमको वेलोसिटी हेड की भी वैल्यू पता है, तो हम स्मॉल एच निकाल लेंगे। यहाँ से हमको क्या मिला था, 0.755 मिला था कैपिटल एच का वैल्यू, ठीक है। तो उसमें से हमने वेलोसिटी हेड को माइनस किया जो कि हमारा 0.025 का आया था, तो हमको क्या मिल जाएगा, स्मॉल एच मिल जाएगा। जो हमारा स्मॉल डी है वो कितना आया है, 2.27 का हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है। तो जो हम इसको पुट करेंगे तो हमारा थिकनेस ऑफ बेस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर का आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्रेस्ट है वो डिजाइन होता है, द टॉप क्रेस्ट शॉल बी कोप्ड विथ 20 सेंटीमीटर थिक सीसी 1:2:4। ये क्या बोल रहा है, तो ये जो ऊपर में आपको पोर्शन दिख रहा है ये, ठीक है, ये हमारा क्या है कि ये हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर का यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे, जिसका रेशियो कितना होगा, 1:2:4 रहेगा। मतलब कि सीमेंट सैंड और जो एग्रीगेट रहेगा उसका रेशियो 1:2:4 रहेगा, और वो हम यहाँ पे ये जो ब्लू पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर में हम प्रोवाइड करेंगे, कितने का, 20 सेंटीमीटर हाइट का। तो यहाँ पे हमने जो हमारा क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट का हमने यहाँ पे टॉप विथ फाइंड आउट कर लिया और बॉटम विथ भी फाइंड आउट कर लिया, और इसका जो आरएल है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया मीन सी लेवल से। और जब हमने इसको फाइंड आउट किया तो हमारा डी भी फाइंड आउट हो गया, क्योंकि हमको बेड लेवल ऑफ डाउन स्ट्रीम हमको पता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या डिजाइन करेंगे, जो हमारा कर्टन वॉल है उसको हम डिजाइन करेंगे। कर्टन वॉल क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, ये जो पिलर टाइप का आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, अपस्ट्रीम में कर्टन वॉल है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डाउन स्ट्रीम में हमारा कर्टन वॉल है। तो इसको हमको डिजाइन करना है। ये जो अपस्ट्रीम कर्टन वॉल का जो डेप्थ बोल सकते हैं, ये क्या होता है कि जो हमारा डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल है इसका 1/3 होता है, ठीक है। यहाँ पे जो डेप्थ 1/3 ऑफ डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर, तो हमको क्वेश्चन में 1.5 मीटर का डेप्थ अवेलेबल है, तो हमारा जो कर्टन वॉल का जो डेप्थ हो जाएगा, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम कर्टन वॉल कितना हो जाएगा, 1.5/3, मतलब 0.5 मीटर का डेप्थ हमारा क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम कर्टन वॉल का हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, जैसे कि आपने देखा अभी हमने अपस्ट्रीम कर्टन वॉल को आपने देखा, तो अपस्ट्रीम कर्टन वॉल क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जिसका कि क्रॉस सेक्शन हम इतना अज्यूम करते हैं 0.4 मीटर बाई 0.8 मीटर का हम अपस्ट्रीम कर्टन वॉल लेंगे, और उसका जो डेप्थ होगा हमारा कितना हो जाएगा, जो हमारा डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल है उसका 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 ऑफ वाटर डेप्थ। तो इस तरह से हमने अपस्ट्रीम कर्टन वॉल को यहाँ पे डिजाइन किया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें हमको क्या करना है, जो सिस्टर्न हमको दिया हुआ है उसको हमको डिजाइन करना है, उसका आरएल निकालना है। ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करके हम डेप्थ ऑफ सिस्टर्न निकालते हैं, x इज इक्वल टू 1/4 h
एच एल होल की पावर 2/3। तो हमारा एक्स क्या था, यहाँ पे आप फिगर से देखिए एक बार, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये हमारा क्या है एक्स, ये हमारा क्या है डेप्थ ऑफ सिस्टम हमको निकालना है, जो कि इसके लिए हमको फॉर्मूला दिया हुआ है। और उस फॉर्मूले में हमारा क्या यूज हो रहा है, एच एल यूज हो रहा है। तो एच एल क्या होता है, ये डिफरेंस होता है हमारा अपस्ट्रीम फुल सप्लाई लेवल और डाउनस्ट्रीम फुल सप्लाई लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, एच एल कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपस्ट्रीम का जो फुल सप्लाई लेवल है वो कितना दिया है हमको क्वेश्चन में, 104.5 का दिया हुआ है। डाउनस्ट्रीम का फुल सप्लाई लेवल हमको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमको क्या दिया हुआ है डाउनस्ट्रीम में, हमको क्या गिवन है, यहाँ पे बेड लेवल पता है डाउनस्ट्रीम का हमको, और यहाँ पे वाटर का डेप्थ हमको पता है 1.5 मीटर का है शारदा फॉल के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 मीटर का दिया हुआ है। तो हमको जो डेप्थ ऑफ डाउनस्ट्रीम, बेड लेवल ऑफ डाउनस्ट्रीम दिया हुआ है और डेप्थ ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, डाउनस्ट्रीम में फुल सप्लाई लेवल हम निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाला है हमने, यहाँ से फुल सप्लाई लेवल एट डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, बेड लेवल एट डाउनस्ट्रीम प्लस डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर, जो हमारा क्या दे देगा, फुल सप्लाई लेवल दे देगा। हमको क्या पता है डाउनस्ट्रीम में बेड लेवल पता है, जब हम यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर है, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या दे देगा, डाउनस्ट्रीम में फुल सप्लाई लेवल हमको यहाँ पे आ जाएगा। ये जो हमारा क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में फुल सप्लाई लेवल आएगा। तो फिर यहाँ पे डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर तो हमको पता है कितना है, 1.5 का हमको गिवन है, और हम यहाँ पे डाउनस्ट्रीम बेड लेवल में 1.5 ऐड कर देंगे, तो डाउनस्ट्रीम में हाई फ्लड लेवल या फिर फूड सप्लाई लेवल जो है हमारा आ जाएगा। बेड लेवल एट डाउनस्ट्रीम हमको पता है 101.5 का हमको दिया हुआ है, प्लस डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल है शारदा फॉल के लिए 1.5, तो फुल सप्लाई लेवल डाउनस्ट्रीम का 103 का आ जाएगा। उसके बाद हमको एच एल निकालना है। तो एच एल क्या होता है कि जो हमारा हाई फ्लड लेवल का, जो हमारा हाई फ्लड लेवल का फुल सप्लाई लेवल है, उसको हम किससे माइनस करेंगे, हमारा जो डाउनस्ट्रीम का फुल सप्लाई लेवल उससे माइनस करेंगे, तो हमारा एच एल आएगा। फुल सप्लाई लेवल ऑफ अपस्ट्रीम कितना दिया है, 104.5 दिया हुआ है, तो इसी का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एच एल की वैल्यू आ जाएगी 1.5 की, यहाँ से आ जाएगी। तो इसी को हमने यहाँ पे यूज किया है, एच इंटू एच एल 1.5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डेप्थ ऑफ सिस्टर्न आ जाएगा 0.273 का, जिसको हमने अज्यूम किया है 0.3 मीटर डीप, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या निकालना है, आर एल ऑफ सिस्टर्न निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हमने कहीं पे अज्यूम किया है, ये क्या है हमारा मीन सी लेवल है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है कि ये जो है हमारा क्या है, सिस्टर्न है जिसका डेप्थ कितना है, एक्स तक है, एक्स डेप्थ है जिसका। सिस्टर्न क्या है कि जिसमें हमारा क्या है, वाटर जो है फिलअप है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर कुशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, वाटर कुशन है। तो ये जो एक्स है, ये हमारा है सिस्टर्न का डेप्थ है, और सिस्टर्न हमारा क्या है, ये जो है हमारा सिस्टर्न है, ये हमारा क्या है, सिस्टर्न है। तो हमको क्या निकालना है कि सिस्टर्न का आर एल निकालना है। आर एल क्या होता है कि मीन सी लेवल से जो हाइट होता है हमारा, वो हमारा आर एल कहलाता है। तो जब हमको ये जो हमारा डाउनस्ट्रीम बेड लेवल है, इसका हाइट हमको जब पता है, तो इसमें से हम जो हमारा सिस्टर्न का जो डेप्थ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये अभी अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आर एल ऑफ सिस्टर्न हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये आर एल ऑफ सिस्टर्न मतलब कि जो हमारा सिस्टर्न होगा, उसका हाइट हमारा मीन सी लेवल से कितना होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, आर एल ऑफ सिस्टर्न कहलाएगा। तो ये जो है, इस पॉइंट का हाइट मिल जाएगा हमारा कहां से, ये मीन सी लेवल से, ये हमारा क्या है, मीन सी लेवल है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि डाउनस्ट्रीम का जो बेड का जो लेवल है, उससे हमने हाइट ऑफ सिस्टर्न को माइनस किया, तो हमको क्या मिल गया, आर एल ऑफ सिस्टर्न मिल गया, मतलब कि ये कितने हाइट पे अवेलेबल है हमारे मीन सी लेवल से, हमको ये मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ सिस्टर्न जो हमारा डाउनस्ट्रीम बेड लेवल है, कितने का है, 101.5 का है, उसमें से हमने डेप्थ ऑफ सिस्टर्न माइनस किया है, जो कि अभी जस्ट फाइंड किया है 0.3 मीटर का, तो फिर ये कितना आ जाएगा, 101.2 मीटर का आ जाएगा। तो इस तरह से हमने आर एल ऑफ सिस्टर्न यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, उसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ सिस्टर्न को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये होता है लेंथ ऑफ सिस्टर्न इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ अंडर रूट
एच इंटू एच एल का हमारा होता है। तो एच की वैल्यू हमको पता है 0.76, और हमारा एच एल हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, कितने का फाइंड आउट किया है, 1.5 का। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे लेंथ ऑफ सिस्टर्न आ जाएगा जो कि 5.5 मीटर का होगा। तो प्रोवाइड 5.5 मीटर लॉन्ग सिस्टर्न एट द आर एल ऑफ 101.2, मतलब कि हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट किया है, यहाँ पे फिगर में भी देखिए ये जो रेड कलर से शो हो रहा है, ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ सिस्टर्न है। और इसका जो इस पॉइंट का जो आर एल है हमारा मीन सी लेवल से, वो कितना है, 101.2 का है, जैसे कि अभी हमने फाइंड किया है। इसके बाद हम जो हमारा इम्परवियस फ्लोर है उसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा फ्लोर है अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में जो लेंथ होगा, ये हमारा अपस्ट्रीम है और ये हमारा क्या है, डाउनस्ट्रीम है। तो यहाँ पे जो हमारा लेंथ ऑफ फ्लोर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा टोटल लेंथ ऑफ फ्लोर ये आपको दिख रहा है, जो हमारा यहाँ पे कर्टन वॉल्स के बीच में जो हमारा लेंथ ऑफ फ्लोर आएगा, ये हमारा कर्टन वॉल है एक, और दूसरा हमारा कर्टन वॉल ये है। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा लेंथ ऑफ फ्लोर होगा वो कितना होगा, हम वहां पे यहाँ पे ये फाइंड आउट करते हैं। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ फ्लोर जो हमारा क्या होता है, किसके इक्वल होता है, सी इंटू डी के हमारा इक्वल होता है, आप ध्यान रखिएगा। इसमें सी क्या है, ब्लाइज क्रीप कॉफिशियंट है जो कि हमको क्वेश्चन में 6 गिवन है, और जो हमारा डी है ये हमारा क्या है, हमने पहले फाइंड आउट किया है, यहाँ पे भी हमने फिर से फाइंड आउट कर दिया है, मैक्सिमम स्टैटिक हेड से जिसको डिनोट कर रहे हैं हम, ये क्या होता है, क्रेस्ट लेवल और जो हमारा डाउनस्ट्रीम बेड लेवल के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो स्मॉल डी हमारा होता है। तो क्रेस्ट लेवल हमने फाइंड आउट किया है 103.77 का, और डाउनस्ट्रीम बेड लेवल हमारा कितना है, 101.5 का हमको गिवन है। तो यहाँ पे 2.27 मीटर का हमारा क्या आ जाता है, स्मॉल डी आता है। तो जब हम इसको पुट करते हैं तो हमारा कितना वैल्यू मिलता है, 13.62 मीटर का हमारा क्या आ जाता है, टोटल फ्लोर लेंथ आ जाता है, इसको हमने अज्यूम किया है 13.7 का, ठीक है। तो ये तो हमारा टोटल फ्लोर लेंथ है, ये जो डी आप देख रहे हैं इसी डी को हमने वहां पे पुट किया है, जो हमारा क्रेस्ट लेवल और जो हमारा डाउनस्ट्रीम, ये देखिए ये हमारा क्या है, डाउनस्ट्रीम बेड लेवल के बीच का जो डिफरेंस आ रहा था, ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था, ये हमारा क्या था, स्मॉल डी हमने लिखा है। तो यहाँ पे जो आया है हमारा ये क्या आया है, ये पूरा लेंथ, ठीक है, ये दोनों अपस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम के बीच में जो कर्टन वॉल है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जो कर्टन वॉल है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट किया है, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, टोटल फ्लोर लेंथ आ जाएगा, कितने का, 13.7 मीटर का है। तो अब हम कैसे फाइंड करें कि हम कितना अपस्ट्रीम में लेंथ प्रोवाइड करेंगे और कितना डाउनस्ट्रीम में लेंथ प्रोवाइड करेंगे, मतलब ये कि कितना लेंथ हम इधर अपस्ट्रीम में रखेंगे, कितना लेंथ हम इधर डाउनस्ट्रीम में रखेंगे, हमको अब ये निकालना है। के लिए हमको एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, मिनिमम डाउनस्ट्रीम फ्लोर लेंथ रिक्वायर। इसके लिए हम ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं ये हम यूज करते हैं, 2 टाइम ऑफ वाटर डेप्थ प्लस 1.2 प्लस एच एल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर डेप्थ हमको पता है 1.5 मीटर का, 1.2 हमारा कांस्टेंट है, और एच एल का हमने फाइंड आउट किया है 1.5 का। तो हमारा जो मिनिमम डाउनस्ट्रीम फ्लोर लेंथ कितना रिक्वायर हो जाएगा, 6.9 मीटर का हो जाएगा, इसको हम 7 मीटर मान लेते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ जो हमारा फ्लोर था वो कितना है, 13.7 का है। तो जब हम उसमें डाउनस्ट्रीम जो लेंथ हमको रिक्वायर है उसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अपस्ट्रीम में जो लेंथ रिक्वायर है वो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 13.7 माइनस ये हमारा क्या है, 7 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6.7 का हमारा आ जाएगा। इतना लेंथ हम कितना कहाँ प्रोवाइड करेंगे, अपस्ट्रीम में प्रोवाइड करेंगे, और 7 मीटर का हम डाउनस्ट्रीम में प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 6.7 मीटर का प्रोवाइड किया है अपस्ट्रीम में विथ ऑफ क्रेस्ट को इंक्लूड करते हुए, और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम में हमने प्रोवाइड किया है 7 मीटर का, ठीक है, ये टो से लेके जो हमारा कर्टन वॉल है वहां तक। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ फ्लोर फाइंड आउट किया है, इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि थिकनेस ऑफ फ्लोर हमारा कितना होगा, कितने थिकनेस का हम फ्लोर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है वो इस तरह से होगा, जो हमारा ये क्या है, हमारा रेक्टेंगुलर क्रेस्ट है, और ये जो है हमारा अपस्ट्रीम है, ये हमारा डाउनस्ट्रीम है। तो उसके लिए जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगा वो इस तरह से अवेलेबल होगा, ये जो ग्रीन कलर से आपको शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है अपस्ट्रीम में वाटर लेवल ज्यादा है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो मैक्सिमम होगा, और डाउनस्ट्रीम में जो वाटर लेवल होता है हमारा कम होता है, तो फिर ये हमारा क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा।
तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगा वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा क्रेस्ट का जो टॉप का, ये जो देखिए आप इसका टॉप का जो हमने कितना आरएल निकाला था, कितना था उसका आरएल, 103.77 का था, तो वही मैक्सिमम आरएल हमारा किसका भी होगा, मैक्सिमम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, मैक्सिमम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के ऑर्डिनेट का भी होगा, ठीक है। तो ये इसके सिमिलर ही होगा, 103.77 का होगा। इसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसके बाद यहाँ पे कब तक डिक्रीज होगा, जब तक कि हमारा क्या होगा कि कर्टन वॉल ना आ जाए। यहाँ पे हमारे क्या है, कर्टन वॉल प्रेजेंट है, ये यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये इस तरह से हमारे क्या होंगे दोनों साइड में अपस्ट्रीम कर्टन वॉल एंड डाउनस्ट्रीम कर्टन वॉल अवेलेबल होंगे, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या करेंगे हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा क्या है डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम बेड लेवल है, और यहीं तक हमारा क्या होगा कि जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो डिक्रीज होगा। और यहाँ पे 0.3 मीटर का हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया, वाटर कुशन प्रोवाइड किया जो कि 0.3 मीटर का है, और यहाँ पे हमने जैसे कि फाइंड आउट किया था, ये आप देख सकते हैं 13.7 का हमारा टोटल लेंथ ऑफ फ्लो आ रहा था, जिसमें कि हमने 6.7 हमने कहाँ दिया था अपस्ट्रीम में दिया था, और 7 मीटर का हमने कहाँ दिया था डाउनस्ट्रीम में प्रोवाइड किया था, ठीक है। अपस्ट्रीम वाला जो था 6.7 मीटर का, ये जो हमारा विथ ऑफ जो क्रेस्ट था इसको इंक्लूड करके था, ये 6.7 मीटर का यहाँ पर हमारा आ रहा था यहाँ तक। अगर हम ये जो हमारा सिस्टर्न है इसको एक्सक्लूड करते हुए अगर हम इस ट्रायंगल को बस कंसिडर करें, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से जो पूरा ट्रायंगल है, तो जो हमारा ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आएगा वो कैसा आएगा हर पॉइंट पे, ये आप देखिए इस पॉइंट पे जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का ऑर्डिनेट ये है, ये जो आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे ये ऑर्डिनेट है, इस पॉइंट पे ये ऑर्डिनेट है। जैसे जैसे हम अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की ओर जा रहे हैं, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का जो ऑर्डिनेट हो रहा है हमारा ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये हमारा आरएल है, ठीक है, ये हमको पहले से गिवन नहीं है, ये हम फाइंड करने वाले हैं 102.659 का जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये आप मान के चलिए कि ये हमको नहीं गिवन है, हमको सिर्फ ये वाला आरएल गिवन है 101.5 का, और ये 103.77 का, जो कि हमारा किसके इक्वल होगा, हमारा जो टॉप क्रेस्ट के इक्वल है, और ये हमारा डाउनस्ट्रीम का बेड लेवल है, ठीक है। तो जो हमारा आरएल है इसका यूज करके हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हमारा थिकनेस ऑफ फ्लोर। मान लीजिए कि हमको यहाँ से ये हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ये ओरिजिन लेके चलिए आप, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू सेवन, ठीक है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 7 मीटर बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है कि थिकनेस ऑफ फ्लोर हमारा कितना होगा। तो इसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो हमारा हाइट है, ये जो हमारा हाइट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो इसके ऊपर देखेंगे हम कि कितना हाइट हमको अवेलेबल है, तो हमारा कितना हाइट अवेलेबल है, हम यहाँ से इंटरपोलेशन से इसका ऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे। नीचे आप देखेंगे कि कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रायंगुलर शेप का क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। तो यहाँ पे इसका जो आरएल होगा, मैक्सिमम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होगा होगा हमारा किसके इक्वल होगा, 103.77 के इक्वल ही होगा, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम ऑर्डिनेट हो ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगा सिमिलर होगा किसके, हमारा जो टॉप क्रस्ट है, टॉप क्रस्ट के जो आरएल है उसके सिमिलर होता है हमारा क्या ऑर्डिनेट ऑफ, मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 103.77, और जो हमारा बॉटम में, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, जो हमारा बेड लेवल ऑफ डाउनस्ट्रीम है उसके इक्वल होगा। यहाँ से जो है हमारा क्या हो रहा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा हाइट है। तो हमारा जो थिकनेस ऑफ फ्लोर है वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमको यहाँ पे थिकनेस ऑफ फ्लोर निकालना है यहाँ से 7 मीटर बाद, तो क्या होगा कि यहाँ से ये जो टोटल हाइट अवेलेबल है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका यूज करके हम क्या करेंगे थिकनेस ऑफ फ्लोर निकालेंगे। तो उसको फाइंड करने से पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये जो एरो से जो लेंथ शो हो रहा है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेंथ है ये तो हमको पता है डेप्थ ऑफ सिस्टर्न के इक्वल है, जो कि हमारा 0.3 मीटर का है, तो हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको इस ऑर्डिनेट को पता करना पड़ेगा, ये ऑर्डिनेट हम इंटरपोलेशन से नीचे फाइंड आउट करेंगे, भाई इंटरपोलेशन से आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमको कितना मिलता है 102.659। अब ये हाइट हम कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा डाउनस्ट्रीम का जो ये आरएल है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, तो जब इसके आरएल में से ये डाउनस्ट्रीम का ये जो आरएल है इसको माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमको ये हाइट मिल जाएगा, ठीक है।
तो फिर इस हाइट को जब हम यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा जो हमारा डेप्थ ऑफ सिस्टर्न है इसके साथ प्लस करेंगे, तो जो हमारा टोटल जो हाइट आएगा, तो जो हमारा ये देखिए ये जो टोटल हाइट आएगा ये हमारा क्या डिसाइड करेगा, थिकनेस ऑफ फ्लोर को यहाँ पे डिसाइड करेगा। सिमिलरली यहाँ से हमको अगर 3 मीटर पे निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑर्डिनेट पहले निकालेंगे। इस ऑर्डिनेट को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लेंथ है हम ये निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका आरएल, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है इसका आरएल हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट का आरएल फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने इस पॉइंट का आरएल फाइंड किया, सिमिलरली हम यहाँ का आरएल फाइंड आउट करेंगे। इस आरएल को हम जब हमारा डाउनस्ट्रीम के आरएल से माइनस करेंगे तो हमको ये जो लेंथ है हमको ये मिल जाएगा एरो वाला, और उसको जब हम इस 0.3 से प्लस कर देंगे तो जो हमारा टोटल लेंथ है वो हमको मिल जाएगा, ये जो है हमारा टोटल लेंथ मिल जाएगा, तो हमको यहाँ पे कितना थिकनेस ऑफ फ्लोर का रिक्वायरमेंट है वो भी हमारा आ जाएगा। सिमिलरली हम आगे भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 मीटर पे फाइंड आउट किया है, जस्ट टो पे हमको कितना थिकनेस ऑफ फ्लोर का रिक्वायरमेंट है ये फाइंड आउट हमने किया है। इसके बाद हम ये जो हमारा टो है इससे हम 3 मीटर पे, यहाँ से 3 मीटर पे कितना थिकनेस ऑफ फ्लोर का रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम x इज इक्वल टू 5 मीटर पे कितना थिकनेस ऑफ फ्लोर का रिक्वायरमेंट है ये हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 मीटर पे हमारा जो थिकनेस ऑफ फ्लोर है वो हमने कुछ और प्रोवाइड किया है, ये हमारा जो थिकनेस ऑफ फ्लोर है वो ये है, ये जो आप देख सकते हैं हमारा x इज इक्वल टू 3 पे जो थिकनेस ऑफ फ्लोर है वो ये है, x इज इक्वल टू 5 पे जो हमारा थिकनेस ऑफ फ्लोर है ये हमारा कुछ और आया है, ये आप फिगर से देख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5.5 पे जो हमारा थिकनेस ऑफ फ्लोर है वो कुछ और आया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा थिकनेस ऑफ फ्लोर जो है डाउनस्ट्रीम में वे वेरी कर रहा है। क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको हमारा कंस्ट्रक्शन को इकोनॉमिकल बनाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारा जो वाटर है यहाँ से फॉल होगा तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉल होता है, तो हमारा सबसे ज्यादा डैमेज यहाँ पे को होगा, इस पोर्शन को होगा जो कि नियरर है हमारे टो से, तो यहाँ पे हमको ज्यादा थिकनेस का कॉन्क्रीट का फ्लोर प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो इफेक्ट है, ठीक है, सॉइल के इरोजन का जो हमारा चांसेस है वो कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम, क्योंकि ये हमारा जो डिस्टेंस है ये बढ़ जा रहा है, किससे, हमारे टो से जो डिस्टेंस है वो बढ़ जा रहा है, तो इरोजन का चांसेस कम होता जाएगा जब हम दूर जाएंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो हमारा थिकनेस है वो हम रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्ट नियर टो हमारा सबसे ज्यादा इरोजन होगा, और जब हम दूर जाएंगे तो हमारा इरोजन कम होगा, तो हम कम थिकनेस का फ्लोर प्रोवाइड करेंगे। अगर हम पूरे में सेम थिकनेस को प्रोवाइड कर देंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम अलग अलग लेंथ पे अलग अलग थिकनेस प्रोवाइड करेंगे। सबसे सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लोर का थिकनेस निकालेंगे किसके लिए, 7 मीटर के लिए। ये यहाँ से हम, ये इतना 7 मीटर है ये हमारा, तो अगर हमको जस्ट ये जो हमारा क्या है क्रेस्ट है, ठीक है, इसके टो पे अगर हमको थिकनेस निकालना है, ये हमारा क्या है टो है, तो यहाँ पे हमको थिकनेस निकालना है, यहाँ पे इसके नीचे जो हम फ्लोर प्रोवाइड करेंगे इसका थिकनेस हमको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमको सबसे पहले जो ऑर्डिनेट होगा, ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है ये जो है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, तो इसका जो भी ऑर्डिनेट होगा ये जो रहेगा, ये जो आपको पिंक कलर से शो हो रहा है ये हमको यूज में लाना पड़ेगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे थिकनेस को डिसाइड कर पाएंगे कि जो यहाँ पे फ्लोर का थिकनेस होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हम इस ऑर्डिनेट को निकालेंगे, यहाँ पे ये 102.659 जो आपको दिख रहा है ये हमको पहले से नहीं गिवन है, ये हमने निकाला है यहाँ पे। ठीक है, इसी को हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 0.2659। यहाँ पे आप कुछ देर के लिए मान के चलिए कि ये यहाँ पे नहीं है, तो इसी वैल्यू को तो हमको निकालना है ना, इसी का तो आरएल हम निकालेंगे, तो यहाँ पे आप कुछ देर के लिए मान के चलिए कि ये 102.659 हमको नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए इसका, इसको हम इंटरपोलेशन से फाइंड आउट करेंगे। आप ये जो दिख रहा है इसको एक ट्रायंगल के टाइप से अज्यूम करिए, ये जो है ये एक ट्रायंगल के टाइप से इसको अज्यूम करिए, तो हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो इसको इंटरपोलेट करेंगे, तो कैसे इंटरपोलेट करेंगे, हमको दो डाटा गिवन है, तीसरे का हमको निकालना है। देखिए अगर हम इसको यहाँ से जीरो लेके चलते हैं, ये हमारा जीरो है, तो इधर से हम बढ़ेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 13.7, तो 13.7 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा हाइट है, जो हमारा
आरएल कितना अवेलेबल है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का जो आरएल है वो कितना है, 103.77। और जो हमारा दूसरा डाटा क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो था, एक्स इज इक्वल टू 3.7 पे हमारा कितना आरएल अवेलेबल था हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का, 103.77 का अवेलेबल था। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमारा कितना आरएल अवेलेबल है, 101.5 का आरएल अवेलेबल है, जो कि हमारा क्या था, डाउन स्ट्रीम में बेड का जो लेवल था वो था हमारा 101.5 का था, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हमने हमारा किसके इक्वल था, 103.77, जो हमारा क्रेस्ट का जो लेवल है उसके सिमिलर था हमारा ये, ठीक है। ये जो हाइड्रोलिक मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का जो आरएल होगा वो किसके सेम होगा, जो आरएल ऑफ क्रेस्ट के सिमिलर होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 103.77 का हो जाएगा। तो हमको किसके कहाँ पे निकालना है, 7 मीटर पे, यहाँ से हम x इज इक्वल टू जीरो लेके चल रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 7 मीटर पे, मतलब कि यहाँ पे, क्योंकि हमको टो में निकालना है, तो x इज इक्वल टू 7 मीटर पे हमको कितना आर एल मिलेगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का, ये हमको निकालना है। तो सिंपली हमने यहाँ पे इंटरपोलेट कर दिए, 13.7 जब हमारा लेंथ है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आर एल 103.77 का है, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है हमारा यहाँ से, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आर एल है वो 101.5 का है, तो एक्स इज इक्वल टू 7 मीटर पे हमारा आर एल कितना होगा हमको ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली इंटरपोलेट कर दीजिए, कैसे करेंगे ये देखिए, इन दोनों को आप पहले माइनस करिए, 103.77 माइनस 101.5, आप क्या करिए, और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज हमको दी हुई है, जो भी लेंथ दिया हुआ है वो आप रख दीजिए, 103.7 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू दिया हुआ है, 101.5 के करस्पॉन्डिंग जीरो दिया हुआ है, हमने सिंपली पुट किया, डिवाइड बाई 101.5, अब इन दोनों को माइनस करिए, जो बीच ये, इन दोनों को आप माइनस करिए, 101.5 माइनस एक्स, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है जीरो है, एक्स के करस्पॉन्डिंग 7 है, ठीक है। आप बोलेंगे कि इसको इससे क्यों माइनस किया, इसको इससे क्यों माइनस किया, हमेशा ऐसे ही करना है क्या, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप 103.77 माइनस एक्स कर दीजिए, नीचे में 101.5 माइनस 103.77 कर दीजिए, आप किसी को भी किसी से भी माइनस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए कि इसके करस्पॉन्डिंग जो इधर जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए, 103.77 हमने यहाँ लिखा है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, 101.5 यहाँ लिखा है तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम होना चाहिए, सिमिलरली ये जो वैल्यूज है ये सेम होना चाहिए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमारी सेम होना चाहिए। आप फर्स्ट से सेकंड को जरूरी नहीं है हमेशा माइनस करें, फर्स्ट से थर्ड को भी माइनस कर सकते हैं, सेकंड से फर्स्ट को भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का यूज करके बस आपको इंटरपोलेट करना है, ये आप ध्यान रखिए और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करिए, तो हमारा जो एक्स का वैल्यू हो जाएगा वो यहाँ से आपको सॉल्व करने से मिलेगा 102.659 का मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको यहाँ पे आर एल मिल गया है, जो हमारा टो है यहाँ पे, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है इसका आरएल हमको मिल गया है 102.659 का। तो जो हमारा थिकनेस ऑफ फ्लोर होता है ये हम कैसे निकालेंगे, थिकनेस ऑफ फ्लोर के लिए हम क्या करेंगे कि जहां पे हमको निकालना है थिकनेस ऑफ फ्लोर उसके जस्ट ऊपर जितना हाइट हमारा जो अवेलेबल है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का, ये हमारा क्या आ जाएगा, थिकनेस ऑफ फ्लोर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा हाइट हमने निकाल लिया है, ठीक है, ये 102.659 माइनस 101.5 करेंगे तो ये जो हाइट है हमने निकाल लिया है। हमको कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है थिकनेस ऑफ फ्लोर, तो इसके ऊपर जितना टोटल हाइट अवेलेबल है ये हम लेंगे, तो यहाँ पे ये जो टोटल हाइट है इसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा ताकि हम टोटल हाइट निकाल सके। तो क्या हो जाएगा, 102.659 माइनस 101.5 करेंगे तो हमको ये हाइट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे आर एल गिवन है तो इसको माइनस करने से हमको हाइट मिलेगा। तो जब ये जो हाइट मिलेगा उसमें हम जो ये है डेप्थ ऑफ सिस्टर्न है इसको प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कितना हाइट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अवेलेबल है ये आ जाएगा, ठीक है। इसी का यूज हम करेंगे थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे देखिए हमने माइनस किया तो हमारा 1.159 आया, और उसके बाद जब हमने यहाँ पे 0.3 से प्लस किया तो हमारा क्या आ जाएगा कि टोटल जो हमारा हाइट अवेलेबल है ये हमारा आ जाएगा 1.459 का आ जाएगा। थिकनेस हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल एच अपॉन जी माइनस वन। तो जी हमारा क्या होता है कि जैसा कि हमारा कैनाल फॉल है वो किससे बना हुआ है, प्लेन कॉन्क्रीट से बना हुआ है, हमारा जो वियर है वो भी प्लेन कॉन्क्रीट से ही बना होता है, प्लेन कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, ठीक है।
तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको रहता है वो कितना होता है, 2.4 का होता है। लेकिन जब हमारा आरसीसी रहता है, जो हमारा आरसीसी मतलब कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो कितना होता है, 2.5 का होता है। और उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, हमारा स्टील भी रहता है। प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट तो रहेगा ही रहेगा, प्लस हमारा जो है स्टील के बार्स भी रहते हैं, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 2.5 का होता है। तो यहाँ पे कैनाल फॉल हमारा किससे बना हुआ है, प्लेन कॉन्क्रीट से बना है, तो इसमें हमने जी का वैल्यू 2.4 लिया है। तो हमने यहाँ पे थिकनेस निकाल लेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके एच अपॉन जी माइनस वन से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.042 का हमारा क्या आ रहा है, कॉन्क्रीट का थिकनेस आ रहा है। तो 0.2 आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि इतने का हम ब्रिज ब्रिक का पिचिंग प्रोवाइड करेंगे, ब्रिक के लेयर प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा जो फाइनल जो थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट हम इतने का प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए हमने ये थिकनेस निकाला है, ठीक है, ये जो डॉटेड मार्क को शो कर रहा है 0.8 हमने ये निकाला है, लेकिन इसके ऊपर हम कुछ ब्रिज ब्रिक की पिचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो कि हमारी कितनी दिख रही है यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर या फिर 0.2 मीटर की है। तो जितना भी हमारा थिकनेस ऑफ जो कॉन्क्रीट आया है उसमें से हम 0.2 माइनस कर देंगे, तो इस तरह से हम 7 मीटर के डिस्टेंस पे 0.8 मीटर थिक कॉन्क्रीट का थिकनेस प्रोवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे टो से 3 मीटर डिस्टेंस पे थिकनेस फाइंड आउट कर रहे हैं। इस ट्रायंगल को हमने अलग से बना दिया है, ये जो ट्रायंगल था हमारा, ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसको हमने अलग से यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है हमारा, और यहाँ से हम 3 मीटर पे देखेंगे कि हमारा जो थिकनेस ऑफ फ्लोर है हम कितना प्रोवाइड करें। ये जो है हमारा ट्रायंगल है, यहाँ से हमको 3 मीटर पे फाइंड आउट करना है थिकनेस कितना होगा। तो टोटल 7 मीटर का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 मीटर का हो जाएगा। इसमें कितना हेड अवेलेबल है, 102.659 का, और यहाँ पे हमारा 101.5 का अवेलेबल है। तो वही सिमिलर प्रोसीजर हम फाइंड आउट यूज करेंगे, जो हमारा थिकनेस है उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे भी हम इंटरपोलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं, आप कहीं से भी ओरिजिन मान सकते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, इधर भी आप ले सकते थे, इधर भी कहीं भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन है, तो x इज इक्वल टू 7 मीटर पे जो हमारा हाइट है कितना है, 102.659 का है। फिर x इज इक्वल टू 0 पे हमारा जो कितना हमको अवेलेबल है, 101.5 का आर एल अवेलेबल है। तो हमको कहाँ फाइंड आउट करना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 पे हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ से इधर से हम देख रहे हैं, तो ये जो है हमारा डिस्टेंस कितना होगा, 4 मीटर का होगा इस पॉइंट का। ठीक है, इधर से हम नहीं देख रहे हैं, इधर से हम देख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 102.16। सिमिलर हमने यहाँ पे इंटरपोलेट किया है, इसको इससे माइनस कर दिया, इसको इससे माइनस कर दिया, सिमिलर हमने इंटरपोलेट किया है, इसको इससे माइनस, इन दोनों को ले लिया पहले, 102.659 माइनस 101.5, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पे बस पुट कर दिया है। ये देखिए, ये दो, इसके करस्पॉन्डिंग ये 7 है और इसके करस्पॉन्डिंग जो है हमारा 0 है। सिमिलरली इन दोनों को माइनस कर दिया, 101.5 माइनस एक्स, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा 0 है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा 4 है। तो यहाँ से हमको वैल्यू निकल के आ जाती है 102.16 की। तो ये 102.16 क्या है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, 102.16 हमारा है ना। तो ये जो इस पॉइंट का आर एल होगा ये हमको निकल गया गया है। ठीक है, यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस पे जो आर एल होगा 102.16 का होगा। आप देख भी सकते हैं 102.659 इससे ज्यादा है। ठीक है, मतलब हमने सही कैलकुलेट किया है, इन दोनों के बीच में हमारा वैल्यू आ रहा है 102.16 का। ये जो हमारा हाइट है ये निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 102.16 माइनस 101.5 करेंगे, तो ये जो है हमारा लेंथ निकल आएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये लेंथ हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको माइनस करने से 0.662 का आ जाएगा, और हमारा जो टोटल जो लेंथ होगा वो कितना आ जाएगा, जब हम डेप्थ ऑफ सिस्टर्न को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.3 प्लस दिस, तो हमारा 0.962 आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे यहाँ से हमने 3 मीटर का डिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे हमको ये हाइट मिला। ठीक है, तो इस हाइट में से हम जब इस सिस्टर्न को भी ऐड करेंगे, इस सिस्टर्न के हाइट को, तभी तो हमको टोटल हाइट मिलेगा ना। यहाँ पे यहाँ से 3 मीटर पे हमको कितना हाइट अवेलेबल है, तभी तो हमको मिल पाएगा ना। ये जो है हमारा कितना है, 3 मीटर है यहाँ से, तो यहाँ टोटल हाइट निकालना है। तो हमने यहाँ पे जो भी आर एल आया था उसको 101.5 से माइनस किया, तो हमको ये लेंथ मिला। तो फिर इस लेंथ को जब हम, ये जो हमारा हाइट ऑफ सिस्टर्न है या फिर डेप्थ ऑफ सिस्टर्न कितना है, 0.3 का है, उसको प्लस करेंगे, तभी तो ये हमको टोटल जो हमको हाइट अवेलेबल है यहाँ से 3 मीटर पे, ये हमको मिल पाएगा ना। तो वही हमने यहाँ पे भी किया है, सेम ही प्रोसीजर हर जगह फॉलो हो रहा है। ठीक है, 0.3 मीटर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थिकनेस कितना आ जाएगा, यहाँ पे
एफ अपॉन जी माइनस वन का, तो एच यहाँ से निकाल लिया हम, जी माइनस वन, जी हमारा 2.4 है, तो इसको सॉल्व करने से 0.687 का आ गया है, तो हम इसको मान लेते हैं 0.7 मीटर का। अब यहाँ पे हम 0.2 मीटर का ब्रिक पीचिंग प्रोवाइड करेंगे, हमेशा आपको ब्रिज पीचिंग प्रोवाइड करना है डाउन स्ट्रीम के लिए, तो इससे आप 0.2 माइनस कर दीजिए, तो हमारा कितने का कॉन्क्रीट, कितने थिक कॉन्क्रीट हम प्रोवाइड करेंगे, 0.5 मीटर का थिक का कॉन्क्रीट हम प्रोवाइड किए करेंगे, वही हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ से 3 मीटर के बाद हमने यहाँ पे देखिए आप 0.5 मीटर का ये थिक लेयर ऑफ कॉन्क्रीट हमने यहाँ प्रोवाइड किया, और ये पीचिंग जो आप देख रहे हैं 0.2 मीटर का हमने प्रोवाइड किया, फिर 20 सेंटीमीटर का प्रोवाइड किया है। सिमिलरली हम यहाँ से अभी तो हम जीरो यहाँ से हम 3 मीटर डिस्टेंस पे हमने फाइंड आउट किया, ठीक है, यहाँ से अब हम 5 मीटर डिस्टेंस पे फाइंड आउट करेंगे हमारा क्या होगा। तो यहाँ से हम 5 मीटर में देख रहे हैं कि हमारा फिर से जो क्या हो रहा है, थिकनेस जो है कम हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 मीटर में हमारा थिकनेस क्या आएगा। ये देखिए ये जो वही ट्रायंगल को हमने दोबारा ले लिया है, यहाँ से सिर्फ टो से हमने 5 मीटर डिस्टेंस में हमने निकालना है, हमको आरएल निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट का आरएल। तो सेम प्रोसीजर है यहाँ पे, 102.659 किसके करस्पॉन्डिंग है, आप यहाँ पे इसको एक्स ले लो, यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर लो, तो यहाँ पे 7 मीटर पे 102.659 है, यहाँ से 2 मीटर पे हमको निकालना है, यहाँ पे 101.5 x इज इक्वल टू 0 पे है, तो आप यहाँ पे इंटरपोलेट कर लो, दिस माइनस दिस कर दो, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट कर दो, तो हमारा x का वैल्यूज क्या आएगा, 101.831 का आ जाएगा। तो ये जो है x हमारा क्या आया है, इस जो पॉइंट है इसका आरएल आया है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है इसका आरएल आया है, तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, ये हाइट फाइंड आउट करना है। तो जब मेरे को इसका आरएल पता है, इस पॉइंट का आरएल पता है, इस पॉइंट का आरएल इस पॉइंट के आरएल के सेम होगा, तो इस पॉइंट के आरएल से जब मैं इस पॉइंट का आरएल को माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा, 101.831 माइनस 101.5 करेंगे तो इसका हाइट निकल आएगा, कितना आ गया, 0.33 मीटर का हमारा हाइट आ जाएगा। और जैसे कि हमको क्या फाइंड आउट करना है कि ये हमको इतना आ गया 0.33 मीटर का, यहाँ का आरएल हमने निकाला और इसको माइनस किया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 0.33 मीटर का हाइट आ गया। तो जैसे कि हमको यहाँ से 5 मीटर पे हमको क्या निकालना है, थिकनेस ऑफ फ्लोर निकालना है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसके ऊपर कितना हाइट हमको अवेलेबल है, कितने हाइट ऑफ वाटर अवेलेबल है, तो उससे इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 0.3 मीटर का जो कुशन है इसका भी डेप्थ को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो जो हमारा टोटल डेप्थ हमारा कितना आ जाएगा वाटर का, 0.33 प्लस 0.3, तो हमारा क्या आता है, 0.63 आता है, तो उससे हम थिकनेस निकाल लेंगे, ये हमारा क्या आएगा, स्मॉल एच आ जाएगा, तो थिकनेस क्या आ जाएगा, एच अपॉन जी माइनस वन, जी हमारा 2.4 का है माइनस वन, तो ये 1.4 हो जाएगा, तो इसे 0.45 मीटर का हमारा थिकनेस रिक्वायर हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 0.2 मीटर का थिक लेयर हम प्रोवाइड करेंगे, ब्रिक पीचिंग 0.2 मीटर का प्रोवाइड करते ही हैं, तो इसमें से 0.2 मीटर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.25 मीटर आ जाएगा, जो कि हमारा होगा थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट का। तो वही हमने यहाँ पे शो भी किया है, ये देखिए आप यहाँ से आप देख सकते हैं, ये यहाँ से 5 मीटर पे हमने निकाला है ना, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा थिकनेस था, ये हमारा थिकनेस था, तो यहाँ पे ये कितना है, 0.25 मीटर का हमारा थिकनेस है, और यहाँ पे 0.2 मीटर का हमने क्या है, ब्रिक पिचिंग हमने किया है। तो इस तरह से हम डाउन स्ट्रीम में जो भी थिकनेस और फ्लो रिक्वायरमेंट है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप रहेगा उसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे, विंग वॉल प्रोवाइड करेंगे। आप देखिए यहाँ से हमारा विंग वॉल क्या होता है, ये आपको जो शो हो रहा है ये साइड साइज में जो हमारा ब्रिक से बना हुआ है, ये हमारे क्या होते हैं, विंग वॉल्स होते हैं ये जो है, ठीक है, इस तरह से स्टेप्ड में हम क्या फॉर्म करते हैं, विंग वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यही आपको यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन में भी बार बार शो हो रहा था, ये जो आप देख रहे हैं अपस्ट्रीम में ये जो विंग वॉल हमने प्रोवाइड की, ये जो स्टेप थे, ठीक है, जो अभी आपने ब्रिक का देखा वही हमारा ये क्या है, विंग वॉल है। तो ये हम कितना प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें लिखा है कि जो हमारा अगर रेक्टेंगुलर टाइप का क्रेस्ट है तो जिसमें कि हमारा जो डिस्चार्ज होगा वो कम होगा 14 क्यूमेक्स से, तो उसमें जो विंग वॉल रहेगा वो कैसा रहेगा, 45 डिग्री पे रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसा है, 45 डिग्री पे हमारा क्या होगा, इंक्लाइन होगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा जो क्रेस्ट रहेगा वो ट्रेपेजॉइडल टाइप का रहता है, फॉर ट्रेपेजॉइडल क्रेस्ट द अपस्ट्रीम विंग वॉल आर किप सेगमेंटल विथ अ रेडियस इक्वल टू 5 टू 6 टाइम ऑफ एच एंड सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट
सेंटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है 60 डिग्री, कहाँ पे सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं आर्क है, इसका रेडियस कितना होगा, 5 to 6 टाइम ऑफ एच के इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कैनाल है, जिसका कि जो हमारा सेक्शन कैसा होता है, ट्रेपेजॉइड सेक्शन का होता है, और यहाँ पे ये साइड साइड से विंग वॉल शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से हम अपस्ट्रीम में विंग वॉल प्रोवाइड करते हैं, और ये जो हमारा डाउनस्ट्रीम है, इसमें हमारा जो विंग वॉल है वो क्या रहता है, स्ट्रेट हम रखते हैं, ठीक है। अपस्ट्रीम में हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर या फिर ट्रेपेजॉइडल के हिसाब से हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, रेक्टेंगुलर में 45 डिग्री का प्रोवाइड करेंगे, और ट्रेपेजॉइडल में यहाँ पे आर्क प्रोवाइड करते हैं, जो कि सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसका जो रेडियस होता है वो 5 to 6 टाइम ऑफ एच होता है, ठीक है। जैसा कि हमने अपस्ट्रीम कर्टन वॉल का तो लेंथ फाइंड आउट किया है, उसका डेप्थ फाइंड आउट कर लिया, जो हमारा वाटर का हाइट होगा उसका 1/3 होगा, लेकिन जो डाउनस्ट्रीम कर्टन वॉल है उसका हम डेप्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एक टेबल यूज में करेंगे लेंगे। द कर्टन वॉल एट डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ द फ्लोर शुड बी 0.75 मीटर डीप, एच इज इक्वल टू 0.76। यहाँ पे आप देखिए जो हमारा कैपिटल एच का जो वैल्यू था हमारा कितना आ रहा था, 0.755 का आया था, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे डेप्थ ऑफ कर्टन वॉल को चूज करेंगे। तो यहाँ पे 0.755 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा टोटल लेंथ ऑफ डाउनस्ट्रीम पीचिंग कितने का आ रहा है, 9 + 2 टाइम ऑफ एचएल का आ रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ ऑफ कर्टन वॉल है वो 0.75 का आ रहा है इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो इसी का यूज किया हमने, हमारा कैपिटल एच जब 0.76 आया था, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा डाउनस्ट्रीम कर्टन वॉल था वो कितने का आ जाएगा, 0.75 मीटर का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जब हमारा जो एच था कितना, 0.755 या फिर 0.756 का था, तो हमारा जो डाउनस्ट्रीम में कर्टन वॉल का डेप्थ कितना है, 0.75 का आया है, वही हमने आगे प्रोवाइड भी किया है। और यहाँ पे जब हमारा 0.76 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा टोटल लेंथ ऑफ पिचिंग कितने का आएगा, 9 + 2 ऑफ एच एल, यहाँ पे देखिए यही हमने लिखा है। तो टोटल लेंथ ऑफ डाउनस्ट्रीम पिचिंग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 + 2 टाइम ऑफ एच एल, तो यहाँ पे 12 मीटर का हम यहाँ पे ब्रिक की पिचिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 मीटर का हमने यहाँ पे ब्रिक पिचिंग प्रोवाइड किया है डाउनस्ट्रीम में, और जिसका कि जो स्लोप है वो कितना दिया है हमको, 1:10 का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और इस लेक्चर के जो नोट्स के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डिजाइन ऑफ सारदा टाइप फॉल है वो कम्प्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।